कैसे व्लॉग बनाएंगे। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? सो खाली पड़ा हुआ है पूरा स्टेशन, इट इज गुड। ओह माय गॉड, लुक एट हियर। मुझे ऐसा लगता है अभी बारिश हुई है तो बढ़ना चाहिए था टेक्निकली। दैट इज गोइंग ऑन कैमल राइड नाउ, दैट इज ब्रिज 647। पानी में आ चुके हैं। Hi guys, it's Mikia again. And if you cannot already tell, then I'm vlogging again. This is sort of a day out with me vlog. Like I'm not going on a vacation, but I'm going on a very interesting sort of journey. Like I'll tell you all about it later in the video, or maybe when I'll make my first pit stop now, then I'll tell you all about it. So currently, like it's 5:18 morning ka. मैं 4:30 बजे से उठी हुई हूँ सुबह से। ओह गॉड, इतना जल्दी उठना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, बट एनीवेज वी मैनेज्ड इट। आई एम ऑल डेक्ड अप, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, सिर्फ एक बोल्ड रेड लिपस्टिक, यू नो आई लव इट। सो दैट्स अबाउट इट। अभी 15 मिनट में हमको निकलना है, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। बट इफ यू वांट टू नो वेयर आई एम गोइंग एंड हाउ इट ऑल वेंट, देन यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द व्लॉग। All right, you guys, first pit stop. Let me show you हम है कहाँ actually. If you can see, पप्पू का ढाबा. Like ये तो mandatory stop है if you are traveling between भोपाल to इंदौर, है ना मम्मी? Right, हम तो यहाँ कब से आ रहे हैं? Like जब छोटा सा टपरी जैसा हुआ करता था, है ना, तब से आ रहे हो। और अब देखो, अब तो कितना बड़ा बना दिया है इसको। तो यहाँ का ना पोहा जलेबी बहुत अच्छा मिलता है, तो अभी ब्रेकफास्ट कुछ किए नहीं हम लोग घर पे, तो अब देखो जाएंगे खाने और पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं और आज का पूरा प्लान क्या है। ओके, सो लेट्स गो। पापा है नहीं, पापा एक्चुअली पता नहीं कहाँ है, बट एनीवेज उनसे अंदर मिलते हैं। सो हियर इज पिताजी जो ऑलरेडी अंदर आके बैठ गए और ये ऐसे व्लॉग बनाएंगे। दैट्स सो बैड, हम इनको ढूंढ रहे हैं बाहर। चलो कोई बात नहीं है पिताजी, अब हम कुछ ऑर्डर करते हैं। और ये पूरा पप्पू का ढाबा है। ऑलराइट गाइस, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा तो नहीं था मेरे ख्याल से, यहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रह गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जगह पड़ती है इस ढाबे से पहले डोडी, है ना, वहाँ पे MPT का रेस्टोरेंट है। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पे आते तो हम वहाँ ट्राई करेंगे। लौटते में, हाँ लौटते में देख सकते हैं, लेट्स सी। तो अभी बात आती है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सो हु वांना डू द ऑनर्स बताने का। हम लोग इंदौर से आगे 25 किलोमीटर आगे डॉक्टर अम्बेडकर नगर पड़ता है, जिसे पहले महू कहते थे। तो वहाँ से उन्होंने एक हेरिटेज ट्रेन शुरू करी है, उसका रन करीब 15 किलोमीटर है। और वो बहुत स्लो ट्रेन है, लाइक घंटे कुछ घंटे लेती है 15 किलोमीटर कवर करने के लिए। नहीं तो ट्रेन जिस स्पीड से चलती है तो 15 किलोमीटर तो ऐसे कवर हो जाए। स्टॉपेज ज्यादा लेती है वो, जहाँ आपके वो जो स्पॉट्स है वहाँ पर कहीं 45 मिनट रुकती है, 45 मिनट रुकती है, कहीं 1 घंटा रुकती है। तो यू हैव फुल टाइम टू एंजॉय दैट। और वहाँ पे बहुत कुछ देखने को है, झरने वगैरह है, आप घूम सकते हो। कैमल राइड है, कैमल राइड भी देखी है, हॉर्स राइडिंग है। सो वी प्लानिंग टू डू ऑल दैट। सो इट्स लाइक होल जर्नी, ट्रेन जर्नी बिल्कुल स्लो उसमें, और बड़ा बड़े सुंदर लैंडस्केप्स हैं वहाँ पर। तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे पापा ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर थोड़ा इंदौर से आगे है, एंड यू हैव टू बुक लाइक टिकट्स नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मल ट्रेन के टिकट बुक करते ना वैसे ही टिकट बुक करने पड़ते हैं। IRCTC जो रेलवे की नॉर्मल टिकट बुकिंग वेबसाइट है, और स्टेशन ही जाना पड़ता है इस ट्रेन को पकड़ने के लिए, जो 11 बजे डिपार्चर है। अभी क्या टाइम हो रहा है?
अभी 8 बज रहा है, 11:05 का डिपार्चर है, तो मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे आराम से 4 घंटे पहले. सो वहाँ पे जाके आई शो यू एवरीथिंग ट्रेन, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन जैसी नहीं है, उसको बहुत सजा रखा है. इनफैक्ट स्टेशन को भी काफी, हाँ, जो नॉर्मल ट्रेन होती है दैट इज ऑन ब्रॉड गेज. अच्छा, ये मीटर गेज पे. अब उसका डिफरेंस गाइस गूगल गूगल को सब पता है. जो विड्थ है उसका वो रहता है, तो मीटर गेज तो पुराने जमाने में चलते थे. टिकट 267 एक दो तरह के क्लासेस है, एक जनरल चेयर कार है, एसी चेयर कार, और एक जनरल, और एक जनरल है तो उसका 20 रुपीज है. उसका 20 रुपीज, मतलब 20 रुपीज में यू कैन सी ऑल दैट इफ यू वांट टू गो इन जनरल कंपार्टमेंट. और अगर एसी वाले में जाने तो 267 पर हेड का वो है. सो इट्स नॉट लाइक टू मच यार, लाइक 260-270 रुपए में यू कैन एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स. तो ये हमारा प्लान है जाने का. तो अब मेरे ख्याल से आई विल साइन ऑफ हियर, क्योंकि वहाँ पहुँचना भी है टाइम से. और हम मिलते हैं आपको जब मैं स्टेशन पहुँच जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए. टिल देन यू एंजॉय द व्यूज. और ऑल राइट गाइज, मम्मी और मैं हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं. लेट मी शो यू डॉक्टर अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन. खाली पड़ा हुआ है पूरा स्टेशन, विच इज़ गुड थिंग. सो अभी हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे. यहाँ ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब रेलवे स्टेशन थोड़ा अंदर है शहर के, बट हमको मिल गया इजीली ना, बहुत पास आ जाओ. हाँ, पूछ के, हाँ पूछ के आ सकते हो. और यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग की जगह भी है, मतलब यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दो और फिर जब लौटो तो यू कैन पिक योर कार फ्रॉम हियर. और या दैट्स अबाउट इट. पापा पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, वो चेंज कराने गए हैं टिकट का. लेट्स सी, कुछ टिकट के कंपार्टमेंट का चक्कर है. लेट्स सी अगर हो जाता है चेंज. C2 आई गेस द लास्ट बोगी ना, लास्ट बोगी, तो शायद उसके पीछे भी पूरा कांच लगा हुआ है तो उसे बहुत अच्छा दिखता है. तो इफ़ यू कैन बुक ना, बुक C2. सो लेट्स सी हमको C2 मिल पाता है तो इट्स ग्रेट, और नहीं तो हम C1 में जाएंगे. मज़े तो हम कैसे भी कर ही लेंगे. तो बस अभी तो यही है, पूरा शहर ऐसे दिखता है. यहाँ का रेलवे स्टेशन बड़ा खाली खाली अच्छा लग रहा है. यहाँ से खाली यही ट्रेन चलती है ना एक्चुअली? नहीं शायद. आर यू श्योर? नहीं यार, ऐसे तो नहीं होगा. ये मीटर गेज है ना. हाँ, तो मीटर गेज की सिर्फ एक ही ट्रेन है. हाँ, ये तो हेरिटेज है. ओके, आई हैव नो क्लू, बट ठीक है, अगर एक ही ट्रेन चलती है तो. तो अभी तो हम यहीं खड़े हैं, हमारे पिताजी पता नहीं कहाँ हैं, बट लेट्स सी, जब वो आएंगे तो हम अंदर जाएंगे एंड आई विल टेक यू अलोंग विद मी. ऑल राइट यू गाइज, हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं. एंड आई डोंट नो ये मेरा कौन सा टेक चल रहा है ये क्लिप शूट करने का, बट द क्लिप यू सॉ बिफोर दिस वॉज दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट वॉज हैपनिंग वेन वी एंटर्ड द स्टेशन. ना इंजन लग रहा था आगे एंड आई वॉज लाइक लेट्स शूट इट एंड शो इट टू यू गाइज. और मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है, इसी में हम लोग जाने वाले हैं, पाताल पानी टू कालाकुंड. यस, कालाकुंड इज़ द डेस्टिनेशन. आई बिलीव आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट इट. और यही हमारा डब्बा है C1, इफ यू कैन सी वहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा C1. तो अभी खुली नहीं है ट्रेन, जब खुलेगी तो मैं दिखाऊंगी. और स्टेशन, कैन यू सी कितना सुंदर पेंटिंग किया हुआ है पूरे स्टेशन पे. ओके गाइस, तो पहला डेस्टिनेशन आ चुका है, दैट इज पाताल पानी, राइट? यस. यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकेगी, तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास. तो लेट्स सी यहाँ पे है क्या क्या होगा यहाँ पे, चलो देखते हैं. पानी रेलवे स्टेशन है, पहला हेरिटेज का स्टॉपेज है यहाँ पर. okay. और यहाँ से अभी जर्नी स्टार्ट होगी अब. ठीक है ना. और ये इसे हेरिटेज के मारे इसको डेवलप करा है, जैसे ये प्लेटफॉर्म बनाया है, रंगाई वगैरह करी आगे. okay. वो बना रखा अपन ने, रेस्ट हाउस बना रखा है. और जितने भी यहाँ खिलौने ये बना रखे हैं, ये जो रेलवे का बेकार सामान होता है उसको यूज करके बनवाया है. अच्छा. और ये पीछे नर्सरी अभी लगाई है हेरिटेज के मारे. okay. और ये अभी
चालू हुआ है। अच्छा, और अभी इसका नेक्स्ट स्टेशन है वाटरफॉल है, जो पातल पानी झरने के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा। तो वहाँ भी गाड़ी रुकेगी, जब आपको बोल दिया जाएगा तो वहाँ 50 मिनट रुकेंगे अपन का। और झरना के लाइन यहाँ बता रहे थे क्रॉसिंग भी होगी, क्रॉसिंग अभी एक गाड़ी आती है इधर से, सिंगल लाइन है। हाँ, उसके लिए भी वो सिग्नल दे रखा सामने ना। अच्छा, उसके लिए भी रोकते हैं गाड़ी को। अच्छा, इसलिए 15 मिनट का स्टॉपेज दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट यू गाइस, सेकंड स्टेशन पाताल पानी वाटरफॉल, वो पाताल पानी था, अब ये पाताल पानी वाटरफॉल है। आई गेस काफ़ी दूर तक नीचे उतर के जाना पड़ेगा वहाँ, यहाँ 50 मिनट गाड़ी रुकती है तो हम आराम से घूम सकते हैं। ओके तो लेट्स गो। ओ यू गाइस, कैमल राइड, कैमल दिख भी रहा है पता नहीं, पास से दिखाती हूँ। ऑल राइट यू गाइस, अपेरेंटली ये है वो झरना, अभी इसका फ्लो बहुत कम हो गया है फॉर सम रीज़न, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी बारिश हुई है तो बढ़ना चाहिए था टेक्निकली, बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाइस आप यहाँ पे खीरा वीरा लेके ना ऐसे बंदरों को खिला सकते हो, देखो कितने अच्छे से पकड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, लुक एट हियर। पापा कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग और देयर ही गोज। ओ माय गॉड, बैठ गए। ऑलराइट यू गाइस, पापा तो गए कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, सॉरी कैमल निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार। और हम दोनों यहाँ खड़े हुए, बहुत गर्मी है यू गाइस, बहुत गर्मी हो रही है। लाइक भोपाल में तो इतनी ठंड लगती है ना, यहाँ तो इसी धूप बिल्कुल चटक हो रही है। मुझे तो लगा था शायद कुछ लाना पड़ेगा जैकेट वैकेट, बट यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैन यू सी ऑलरेडी कितनी धूप हुई पड़ी है, मैं तो बाल भी बांध लिए हैं, मम्मी ने गॉगल्स लगा लिए हैं, बहुत गर्मी हो रही है। बट ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ करने को नहीं है, बंदरों को खाना खिला सकते हैं, जैसे अभी मैं दिखाया पापा को, पापा ने खिलाया। वाटरफॉल के नाम पे कुछ है नहीं, सूखा पड़ा है। और पापा जो गए हुए हॉर्स राइडिंग पे, वो दूर निकल चुके हैं कहीं, तो यहाँ पे बस यही है, थोड़ा सा घूम सकते हो, कुछ खाना पीना है तो खा सकते हो, भी देखते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है, ट्रेन 50 मिनट रुकने वाली है, जैसे आई जैसे अभी 15-20 मिनट ही हुए होंगे, तो आधा घंटा है प्रॉपर प्रॉपर। और वहाँ से पापा हेलो बोल रहे हैं, अगर दिख रहे हो तो, या राइट देयर। सो अभी मेरा प्लान है कैमल राइडिंग का, आई एम नॉट श्योर मैं करूँगी कि नहीं, पर अगर करूँगी तो ऑफकोर्स दिखाऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड। डैड इज़ गोइंग ऑन कैमल राइड नाउ। मेरा बहुत मन था बट फिर मैं नहीं गई, तो पापा बोले मैं चला जाता हूँ, मैंने कहा ठीक है आप ही चले जाओ। ऑल राइट गाइज, हमारी ट्रेन रुक चुकी है तीसरे स्टेशन पे, दैट इज ब्रिज 647। यस, स्टेशन का नाम है ब्रिज 647। सो यहाँ पे बेसिकली साइट सींग ही है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, बट आई शो यू द साइट एनीवेज। एंड हियर इज मॉम डैड, मॉम डैड से हाय। हाय, ये दोनों आगे पहले ही निकल जाते हैं, वेट ही नहीं करते। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट राइट। अब मैं दिखाती हूँ साइट।
All right guys, so this is the view. ऑल राइट यू गाइज, हम कालाकुंड पहुंच चुके हैं, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है डोंट माइंड माई हेयर्स, पहले खुले हुए थे फिर मैंने हाफ टाई अप किया और अब तो मैं पूरा, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मम्मी से पूछो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी पड़ी हुई है यहाँ पे, आधी तो थकान गर्मी से ही हो गई पर ठीक है, यहाँ पे फिर भी थोड़ी छाव है तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं, ये लास्ट स्टेशन है कालाकुंड, इसके बाद ट्रेन रिवर्स जाएगी और हम वापस जाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है करने को क्या नहीं है, और एज यू नो आई विल टेक यू अलॉन्ग विथ मी वट एवर आई डू, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑल राइट यू गाइज, हम पानी में आ चुके हैं और बहुत ठंडा ठंडा पानी है, मैं इसमें पैर डालने वाली हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आएगा, और मम्मी तो ऑलरेडी पैर डाल के बैठी हैं, यू कैन सी। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, इतना ठंडा रिलैक्सिंग वो है, लेट्स डू इट गाइज। ओ यस, इट लुक इट सो फील सो गुड यू गाइज, इट्स सो कोल्ड ना, इतनी धूप में इतना अच्छा लग रहा है ऐसे पैर डाल के बैठना। अब तो ट्रेन चली भी जाए छोड़ के तो मुझे कोई मतलब नहीं है, आई कैन हैप्पीली लिव हियर। ये ओके पिताजी, कैसा लग रहा है आपको? आनंद ही आनंद है। हाँ, पापा को तो पानी दे दो बस, और चाहिए क्या है ना, पर यार गाइस पानी हाँ सही में, और इतना ठंडा ठंडा है, राइट? ऑल राइट गाइज, दिस इज़ द लास्ट पार्ट, यहाँ पे संग्रहालय है एंड वी गोना गो इन एंड चेक आउट कि यहाँ पे क्या क्या है। आई एम रियली टायर्ड, सो दिस इज़ लाइक द होल म्यूजियम इन वन ग्लांस, बहुत छोटू सा है, ज़्यादा कुछ एज सच है नहीं, मेरे ख्याल से ट्रेन के पार्ट्स ही पार्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, पुराने ट्रेन के पार्ट्स, यस, ओ पुराना टेलीफोन, सब कूल, या बाकी तो और कुछ नहीं है, पर यहाँ ठंडा बहुत है। राइट गाइज, आई एम तो वेरी टायर्ड, और अब तो बस ट्रेन में जाके रिटर्न जर्नी करनी है, उसके बाद भोपाल भी जाना है ऑफकोर्स, तो आई विल कैच यू वंस वी आर लाइक रिटर्निंग बैक ना।